आज जो चीज़ हम स्टडी करेंगे दैट इज़ अ वेरी इजी बट एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस जो कि है लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये पुराना कॉन्सेप्ट ही है लेकिन इसमें हमने थोड़ी सी चीज़ों को आपस में रिलेट करना है। लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। आप लोगों को अगर अपनी मैट्रिक क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स याद हों उसमें हम पढ़ा करते थे कि हमारे पास लुईस कॉन्सेप्ट होता है एसिड और बेस का और लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट था। तो लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट क्या था? वो ये था कि एसिड्स जो उनसे हैं वो होते हैं, एसिड्स आर दो स्पीशीज विच डोनेट द प्रोटॉन, जो के डोनेट कर दें आपके पास प्रोटॉन को, एच पॉजिटिव को, या फिर दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट, के उनके पास डोनेट करने की टेंडेंसी एहलियत जो है वो मौजूद हो, तो वो स्पीशी क्या कहलाएगी? वो स्पीशी कहलाएगी एसिड। और यही कॉन्सेप्ट बेस के बारे में ये कहता था कि बेसिस आर दो स्पीशीज विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन, जो एसिड प्रोटॉन निकाले और उस प्रोटॉन को जो चीज़ एक्सेप्ट करे वो कहलाएगी बेस, या फिर उसके पास टेंडेंसी मौजूद हो एक्सेप्ट करने की, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट दैट प्रोटॉन। तो वो कॉन्सेप्ट जो था आपके पास लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस के बारे में, कि एसिड वो होता है जो डोनेट करे प्रोटॉन को और बेस वो होता है जो कि उस प्रोटॉन को डोनेट हुए वे को एक्सेप्ट कर ले। अब जो असल चीज़ है हमारे इस टॉपिक की जो बेस है वो ये है कि हमारे पास कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास डेवलप होने जा रहा है। कॉन्जुगेट बेस क्या होती है? आप इसको इस तरह से समझें, सपोज करें कि हमारे पास एक एसिड है एच ए जिसको आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाया, दिस इज़ वाटर, दिस इज़ एसिड। अब होगा क्या कि आपके पास ये जो है एसिड ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, वाटर उसको एक्सेप्ट करेगा, एच थ्री ओ पॉजिटिव बन जाएगा, साथ में आपके पास ए नेगेटिव जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब इस केस में वाटर क्या है? वाटर इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, तो वाटर यहाँ पर वाटर नहीं है, वाटर यहाँ पर बेस है। जाहिर सी बात है कि लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट यही कहता है कि वो स्पीशी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले वो हमारे पास बेस कहलाएगी, और यहाँ पर प्रोटॉन को एक्सेप्ट हमारे पास वाटर कर रहा है और एच थ्री ओ पॉजिटिव बन रहा है। अब ये आपका सिस्टम था, इस सिस्टम के अंदर अब हमारे पास चार चीज़ें मौजूद हैं, एच ए, एच टू ओ, एच थ्री ओ पॉजिटिव और ए नेगेटिव। अब यहाँ पर इस एसिड की जो हमारे पास एच ए है या जो बेस है इसकी कॉन्जुगेट का मतलब है कि जो रिएक्शन के अंदर जो चार चीज़ें मौजूद हैं तो जो एक्स्ट्रा दो नई चीज़ें बनी हैं ये भी तो एसिड बेस का काम कर सकती हैं, इनके अंदर भी तो टेंडेंसी मौजूद है डोनेट करने की। अब कैसे टेंडेंसी मौजूद है? ये जो एच थ्री ओ पॉजिटिव है ये हमारे पास यहाँ पर एच पॉजिटिव डोनेट करने की पोजिशन में है, जाहिर सी बात है एच थ्री ओ पॉजिटिव है तो ये जो है प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, तो ये हमारे पास एसिड होगा, जाहिर सी बात है। और ये एसिड चूंकि इस रिएक्शन के अमल में है और ये मौके पर बना है, पहले से मौजूद नहीं था, तो ये कॉन्जुगेट एसिड है। और कॉन्जुगेट एसिड जो होता है वो किसी बेस की मतलब किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा और किसी एसिड की कॉन्जुगेट बेस होगी। तो ये जो कॉन्जुगेट एसिड है ये बनेगा हमारे पास वाटर का, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O, क्योंकि ये बेस थी H2O, और ये हमारे पास है कॉन्जुगेट बेस ऑफ HA,
इस एसिड की। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि रिएक्शन के मौजूदगी में जो दो नई स्पीशीज बन रही हैं वो पीछे वाले रिएक्टेंट्स में मौजूद एसिड और बेस के हिसाब से कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस जोन सी हैं वो बन जाएंगी। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम अब आगे चलेंगे और इनकी इक्वेशन जोन सी है वो लिखने की तरफ आएंगे। अब कॉन्सेप्ट हमारे पास ये डेवलप हुआ कि अब फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एसिड को वाटर के अंदर रिलीज करवाऊं तो मेरे पास जो चीज़ बनेगी वो ये होगा कि H3O पॉजिटिव बनेगा जो कि कॉन्जुगेट एसिड होगा। ये बेस है, ये एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड होगा बेस का। और साथ में मेरे पास जो है ए नेगेटिव बनेगा जो कि कॉन्जुगेट बेस होगी एसिड ए की। अब इस इक्वेशन की अगर मैं के सी की वैल्यू लिखूं तो के सी विल बी इक्वल टू दी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। इस H2O को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा H2O इनटू KC एंड दिस वुड बी इक्वल टू H3O पॉजिटिव, साथ में आ जाएगा A नेगेटिव और मल्टी डिवाइड हो जाएगा HA की कंसंट्रेशन के साथ। अब आपको पता है कि ये दोनों वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होती हैं तो हमारे पास एसिड के केस में के ए बनेगा जो कि क्या कहलाता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो दिस के ए विल बी इक्वल टू, अब ये H3O पॉजिटिव को मैं H पॉजिटिव लिख रहा हूँ क्योंकि H3O पॉजिटिव इज बेसिकली H पॉजिटिव ही की कंसंट्रेशन है वो, क्योंकि वही चीज़ ऐड हो रही है एंड दिस इज ए नेगेटिव और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ एसिड। तो दिस इज द के ए ऑफ दिस एसिड और ये इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास सिस्टम के अंदर, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, हमारे पास सिस्टम में जो चीज़ें मौजूद हैं एच ए और ये मिला था वाटर के साथ और इसने बनाया था H3O पॉजिटिव और ए नेगेटिव। अब ये ए नेगेटिव बेस के तौर पे काम करेगी और एक नया रिएक्शन अमल में आएगा और वो क्या होगा कि ए नेगेटिव अब एज अ बेस काम करेगी। अब वाटर तो ऑलरेडी मौजूद है तो वाटर अब इस केस के अंदर एसिड है, पिछली इक्वेशन में वाटर बेस था और इस इक्वेशन में वाटर क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा। अब वाटर एसिड क्यों बन गया, क्योंकि इस केस में वाटर जो है वो अपनी इक्वेशन इस तरह से कंप्लीट करेगा कि ये जो है वो उसको प्रोटॉन डोनेट करेगा। अब वाटर के प्रोटॉन डोनेट करने की वजह से वाटर इस केस में अब एसिड है और ए नेगेटिव हमारे पास बेस हो जाएगी। अब ए नेगेटिव बेस है तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी और हमारे पास चीज़ बन जाएगी एच ए और हमारे साथ जो चीज़ बनेगी वो होगी ओ एच नेगेटिव। अब यहाँ पर जो है ये उसी तरह एसिड और बेस होंगे और ये कौन से होंगे, कॉन्जुगेट एसिड और बेस होंगे। अब इस इक्वेशन की अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने की कोशिश करूँ के सी, तो वो बराबर होगा मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एच ए एंड ओ एच नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव, रिएक्टेंट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लिखेंगे ए नेगेटिव और साथ में आ जाएगा वाटर। ये H2O जो वाटर है ये इधर इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास एक नई टर्म आएगी जो कि कुछ इस तरह की होगी और ये सारी वैल्यू हमें पता है कि ये होती है बराबर के बी के और के बी इज इक्वल टू एच ए इंटू ओ एच नेगेटिव डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 क्योंकि
जो कि अब हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेसिकली कॉन्जुगेट बेस का, ये ए जो है यहाँ पे बेस के तौर पे काम कर रही है, दिस इज के बी ऑफ अ कॉन्जुगेट बेस, और हमारा जो स्टार्ट में एसिड था वो एच ए था। तो बेसिकली हम एक एसिड का जो के ए है वो हमारे एसिड का है, और जो के बी है वो हमारे कॉन्जुगेट बेस का के बी है। तो हमने बेसिकली इनके रिलेशन को स्टडी करना है कि किसी भी एसिड का उसकी कॉन्जुगेट बेस से क्या रिलेशन होगा। अब हमारे पास, अगर आप रिकॉल करें, तो हमारे पास दो इक्वेशन थी जिनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहली इक्वेशन थी के ए विच वॉज इक्वल टू एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय ए नेगेटिव की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय एच ए, ये इक्वेशन नंबर वन थी। और इक्वेशन नंबर टू कॉन्जुगेट बेस के केस में हमने जो है वो डेवलप की अभी, जो कि के बी इज इक्वल टू ओ एच नेगेटिव इंटू एच ए डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव, ये क्वेश्चन नंबर है टू। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन वन को इक्वेशन नंबर टू से, मल्टीप्लाई वन विथ इक्वेशन नंबर टू। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा के ए मल्टीप्लाई बाई के बी विच इज इक्वल टू एच पॉजिटिव इंटू ए नेगेटिव डिवाइडेड बाई एच ए मल्टीप्लाई बाय ओ एच नेगेटिव एच ए की कंसनट्रेशन और डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ए नेगेटिव से कैंसिल, एच ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी के ए मल्टीप्लाई बाय के बी इज इक्वल टू एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय ओ एच नेगेटिव की कंसनट्रेशन। अब अगर आप अपने आयनिक प्रोडक्ट वाले टॉपिक को रिकॉल करें वाटर के, तो एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन और ओ एच नेगेटिव की कंसनट्रेशन बराबर होती थी के डब्ल्यू के, जो कि उसके आयनिक प्रोडक्ट था। तो ये सारी चीज़ हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के इक्वल है। तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, के ए मल्टीप्लाई बाय के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, जिसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास के ए की वैल्यू हमें पता हो, इफ द वैल्यू ऑफ के ए इज नोन, तो हम उससे उसकी कॉन्जुगेट बेस का के बी जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो के डब्ल्यू की वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट, के डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी इन एवरी केस। तो यहाँ से हमारे पास पता लगा कि के ए और के बी या किसी भी एसिड का उसकी कॉन्जुगेट बेस से जो रिलेशन है वो ये है कि उनके आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहते हैं, और कॉन्स्टेंट भी कौन सा, जो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर था। अब हम मज़ीद इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे अपनी इक्वेशन में। हमारे पास इक्वेशन थी के ए मल्टीप्लाई बाई के बी विच इज़ इक्वल टू के डब्ल्यू। अब हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन का लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का लॉग लेने से ये इक्वेशन कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई हो सकेगी। ये लॉग का रूल होता है कि जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो जब लॉग एक्सपेंड होता है तो वो प्लस हो जाते हैं। लॉग के ए प्लस लॉग के बी इज इक्वल टू लॉग के डब्ल्यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद नेगेटिव वन, माइनस वन से मैं दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग के ए प्लस माइनस लॉग के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू। मैंने माइनस से इस वजह से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास जो ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास उन्हीं वैल्यूज़ में आ जाएं जिनको हम पहले से जानते हैं। माइनस लॉग ऑफ के ए इज़ इक्वल टू पी के,
माइनस लॉग ऑफ के बी इज इक्वल टू पी के बी एंड माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू इज पी के डब्ल्यू। तो दिस इज अ न्यू इक्वेशन जो कि हमने यहाँ पर डिजाइन कर ली है अबाउट दी पी के ए एंड पी के बी ऑफ एनी एसिड। अब यहाँ से ये पता चला कि हमारे पास जो पी के ए और पी के बी का रिलेशन है वो ये है कि हम दोनों को अगर जमा करें एट गिवन टेम्परेचर पे तो वो पी के डब्ल्यू के बराबर होता है जो कि हमारे पास 14 होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले जो से टॉपिक्स होंगे उनमें हमने इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना है और फर्दर चीज़ों को स्टडी करना है। अब इस टॉपिक के हम कंक्लूड करने की तरफ चलते हैं। इस सारी डिस्कशन के नतीजे में हमें जो उनसे इन्फॉर्मेशन हमें हासिल हुई है, जो हमें फैक्ट्स हम तक पहुँचे हैं वो ये हैं। उनको अब मैं यहाँ पे आपकी बुक्स वाले भी उनको लिस्ट कर रहा हूँ। नंबर वन इज़ जो चीज़ हमें पता चली वो ये कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ वेरी वीक एसिड इज रिलेटिवली अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमें कैसे पता चला? जाहिरी सी बात है, ये हमें इस तरह से पता चला कि के ए मल्टीप्लाई बाय के बी बराबर था के डब्ल्यू के। अगर मेरे पास ये वैल्यू बहुत ही कम है एसिड की वैल्यू, अगर जो मेरे पास जो है वीक एसिड था तो वीक एसिड की के ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी। जाहिर सी बात है, जब के ए की वैल्यू कम होगी तो इसको इस कांस्टेंट के इक्वल करने के लिए के बी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तभी तो इसका आंसर सेम आएगा ना। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक चीज़ है 10 और ए मल्टीप्लाई बाय बी 10 है। अगर ए की वैल्यू कम होती जा रही है 2 थी तो मुझे इसको 10 ही बनाना है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा 5। अब अगर मैं 2 से भी कम आ जाता हूँ 1 पे तो फिर मुझे इस 10 को बराबर करने के लिए इस वाली वैल्यू को बी की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, अब ये 10 हो जाएगी। तो इस वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए अगर के ए मेरे पास वेरी वीक है, वीक एसिड है, तो के ए कम होगा और कम है तो फिर उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है, ये जो के बी कॉन्जुगेट बेस का है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा होगा और ज़्यादा होने का मतलब है कि ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होगी। सेकंड कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है और वो ये है कि कॉन्जुगेट एसिड अगर किसी वीक बेस का या स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस इज रिलेटिवली अ वेरी वीक एसिड। ये भी आप बिल्कुल उसी तरह से स्टडी कर सकते हैं के ए मल्टीप्लाई बाय के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। अब के डब्ल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, वो कहते हैं जी अगर आपके पास एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसके के बी की वैल्यू बड़ी होगी, तो उसके कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो बहुत ज़्यादा वीक होगा, ये वो बह कह रहा है। और जाहिर सी बात है वीक ही होगा। क्यों वीक होगा? कि इस वैल्यू को मुझे कम करना पड़ेगा ताकि के डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट हो सके। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमने इक्वेशन डेवलप की के ए मल्टीप्लाई बाय के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, तो यहाँ से हमें दो फैक्ट्स पता चले। और ये जो दो फैक्ट्स की स्टेटमेंट है ये अक्सर जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव में फिल इन दी ब्लैंक्स या एमसीक्यूज की शक्ल में हमसे पूछ ली जाती है। तो यहाँ से जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट पता चला वो यही है कि के ए अगर बढ़ेगा तो उसकी कॉन्जुगेट बेस का के बी के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। तो के ए का जो है के बी के साथ एसिड और कॉन्जुगेट बेस का इनवर्स रिलेशन जो है वो होता है। इसी तरह अगर हमें किसी एक की वैल्यू पता हो तो हम दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस को है स्टडी किया कि लॉरी ब्रोंस्टेड का जो कॉन्सेप्ट था एसिड का और बेस का वो क्या था, जिसमें हमने कॉन्जुगेट बेस और एसिड को लेकर आगे चले
और हमने इक्वेशन जो सी हैं वो डेवलप की और ये रिलेशन हमने स्टडी किया। तो ये एक खासा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर नंबर 8 का, और अक्सर जो है हमारे एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अबाउट दी फ्लोरीबॉस्टेट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस।